पहली बात तो मुझ पे चिल्लाया मत करेगा, ठीक है? बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस फाइनली हमारा वाटर पार्क जाने का प्लान आ गया। Hey you all, welcome back to my video. Hope you all are doing well. And after so long, ये व्लॉग बन रहा है एंड आज मैं जा रही हूँ मेरी बात काट दीजिए मेरे को बोलने दे चल तू ही बोल लिया खाटू श्याम मंदिर मासी भैया भाभी जिया साक्षी अच्छा तू भी है क्या तो सब लोग जा रहे हैं कई पापा नहीं आया बिकॉज पापा को ना ट्रेवल पसंद नहीं है तो पापा बोल रहे तुम लोग जाओ पापा ने बोला तुम लोग जाओ क्योंकि पापा ने लास्ट टाइम भी जब हम अमृतसर गए थे ना तो पापा को ऐसा होता है पापा मतलब ट्रैवल नहीं कर पा रहे ज़्यादा तो इसीलिए हम लोग आ गए और फाइनली जा रही हूँ इतने टाइम से सोच रही थी और आज जाना हो रहा है और हम लोग निकले 5 बजे देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे सो चलो दर्शन करके घर जाकर वापस से तभी आराम होगा मैं इसलिए नहीं सोई क्योंकि सब लोग जल्दी उड़ गए थे और फिर सब लोग रेडी होने लग गए थे तो और मुझे ना नींद भी नहीं आई पता नहीं बहुत ज़्यादा ट्राई करके सोने का बट नींद नहीं आई जिया की हो रही है तबीयत ख़राब मतलब जिया को 2 दिन से कंटिन्यू फीवर हो रहा है उसका टेस्ट वेस्ट कराया था ना तो उसको टाइफाइड बताया था बट हमने उसको पूछा पहले चलने से कि मतलब तो ठीक है तो चलते नहीं तो नहीं तो उसका खुद ही का मन है बोल रही नहीं नहीं चलो 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 तो हम आ गए ठीक है ये नहीं मतलब अभी फीवर तो नहीं हो रहा बट इसको लो फील हो रहा है अभी हम ठीक करेंगे गाइस दर्शन करके ठीक हो जाएगी और गाइस यहाँ से ना वहाँ पे बहुत ही अलग से कलर का मतलब डिफरेंट सा पहाड़ है मैगी हो जाती मैगी नहीं है बहुत देर बाद टेक ले रही हूँ और हम लोग विद इन 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे बहुत देर से वेट कर रहे हैं जो वो बड़ा सा गेट नहीं दिखता उसका वेट कर रहे हैं जैसे ही वो आ जाएगा फिर लगेगा आ गया उसी को ऐसे जाग जाग के देख रहे हैं अब आए अब आए बाकी जी है कि हालत जो है वो अभी भी ठीक नहीं है वो अभी भी लो फील कर रही है कोई बात नहीं दर्शन करके हो जाएगी ठीक नमस्कार पहली बात तो मुझ पे चिल्लाया मत करेगा ठीक है गाइस यहाँ पे ना मैं ऐसे बोल रही थी कि साक्षी पार्किंग देखियो कितनी ज्यादा फुल है बोल रही व्लॉग में लेना क्या व्लॉग कर रही है तो गाइस फुल ऑन भरी हुई है पार्किंग तो कितनी भीड़ होगी मर्सिडीज का वो लगा रखा है ना लोगो और निकाल लेंगे कैसे गाड़ी भैया ये देख देख कितना कितना ज्यादा पार्किंग हो रहा है भगवान कितनी भीड़ होगी अंदर लड़की पार्किंग हो रही है बोला बाबा ऐसे मौसम रखो गाइस हम लोग अपनी कार से तो उतर गए थे जहाँ से लाइन शुरू होती है वहाँ तक कार नहीं जाने देते तो अभी रिक्शे से हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन है Struggling too much guys. ये
मोटे मोटे आहार। सो गाइस हमने लगवाया ये वाला तिलक और हमने लिया है झंडा, एक फ्लावर और अभी हमने प्रसाद ले लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है ना, मतलब ओ माय गॉड, चारों तरफ से ना लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, मतलब कि चारों तरफ से मंदिर का गेट है। इतनी ज्यादा भीड़, हटो गाइस, हमारे बहुत अच्छे दर्शन और हम फोटो ले रहे हैं। सो गाइज हमारे दर्शन हो चुके हैं और उसका एक्सपीरियंस मैं आराम से घर जाके बताऊंगी कि कैसा रहा। और अभी हम बहुत जल्दी फ्री हो गए, एक बज गया है एक, और इतनी जल्दी दर्शन हो गया मतलब पता ही नहीं चला। और अभी ऐसा लग रहा है देखने में कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया, बट अभी एक ही बजा है तो हम लोग कहीं और की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ना पास में ये गोल्डन वाटर पार्क है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जाते हैं कि नहीं, बताती हूँ जो भी आगे का सीन रहता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब आते आते लग रही है। और वहाँ पे ना हमें जो गेट है ना वहाँ पे हमने फोटो खिंचाने के लिए ना हम उतरे, और वहाँ पे इतना ज़्यादा फर्श गर्म था ना, इतनी ज़मीन इतनी गर्म थी ना, बहुत ज़्यादा मेरे पैर तो बहुत जल रहे थे, बहुत ज़्यादा जल रहे थे। बहुत मुश्किल फोटोज क्लिक करी, बट हो गई, दो तीन पिक्चर्स क्लिक करी। तो गाइस फाइनली हमारा वाटर वाटर पार्क जाने का प्लान आ गया। तो गाइस हम जा रहे हैं वाटर पार्क। भैया भी फुल ऑन खुश हो गए। गाइस वाटर पार्क के नाम से ना इसके अंदर फुल ऑन एनर्जी आ गई है। सो गाइस हम लोग जस्ट रैंडम आ गए और इसलिए मैं कॉस्ट्यूम वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी, यहीं से लेना पड़ा क्योंकि इंजॉय हो जाएगा क्योंकि हम लोग जल्दी फ्री हो गए। तो मुझे ना अजीब भी लग रहा था ये कॉस्ट्यूम पहनने में, बट मैंने पहन लिया। अगर पता होता ना पहले से तो फिर मैं घर से कॉस्ट्यूम लेकर आती। अभी यहीं पे मासी बैठी है, मम्मी बैठी है, भैया भाभी वहाँ पे, साक्षी ऊपर गई है, अभी आएगी वो देखना। तो जी आई हमारी जिया दीदी। कूला टूट गया, कूला टूट गया।
साइड में ना आगे से चढ़ रही थी, भैया ने रोका, देखो कैसे दिख रही है अभी ना, यहाँ से चढ़ रही थी, भैया ने बोला अरे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, फिर पीछे हटाया। और गाइस ये ना राइड पकड़ के ले रही थी, तो देखो इसका हाथ में क्या हो गया है, कितनी चोट लग गई। सो या गाइस, वन वीक बाद ये व्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। कल संडे है और लास्ट संडे हम लोग खाटू श्याम जी गए थे। जब से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ ना, तब से ऐसा हो गया है कि रूटीन थोड़ा सा समझ लो डिसबैलेंस हो चुका है, और अभी उठने और खाने पीने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, बिकॉज मैं रक्षाबंधन के बाद से अपना रूटीन जो है वो थोड़ा ठीक करने वाली हूँ। एंड मैंने बोला था बीच में कि मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा खाटू श्याम जी का। अभी मैं सोने जा रही थी तो इसलिए अभी ऐसे हो रखी हूँ। यहाँ पे ना मेरे को दो जुड़वा पिंपल निकले हैं। हम लोग टाइम से निकले थे तो इस वजह से हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, और इसलिए हमारे बहुत जल्दी दर्शन भी हो गए थे, नहीं तो हमने जितना सुना है, और मम्मी पहले गई हुई है तो मम्मी खुद ही बोल रही थी कि ना 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे लाइन में, 2 से कम तो नहीं, 2 से ज़्यादा ही बेशक से लग जाए, बट 2 तो घंटे लगेंगे ही लगेंगे। बट गाइस हम लोग इतना टाइम से पहुंच गए थे तो वहाँ पे हमारे दर्शन हो गए थे, आई थिंक 20 या 25 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए थे, और अच्छे दर्शन हुए। बस मैं अच्छे दर्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना मुझे एक चीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे ना जो आंटियाँ खड़ी रहती है, मतलब जहाँ पे ऐसे वो आता है ना क्या बोलते हैं, जहाँ पे दर्शन करने का आता है, जहाँ पे बाबा का पूरा वैसे स्थान बनाया हुआ है, एक लाइन में ना आंटी खड़ी रहती है, तो ना वो ना 2 सेकंड के लिए भी मतलब ऐसे जैसे बस ऐसे ही करोगे ना, वो वैसे ही ना आपको ऐसे आगे कर देगी, उन्होंने ना दर्शन नहीं करने दिए ठीक से। एक होना चाहिए ना कि यार इतनी दूर 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 से लोग आते हैं, हमसे भी दूर दूर से, काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो एक चीज होनी चाहिए कि हाँ यार लोग इतनी दूर से आ रहे हैं तो थोड़ी दर्शन करने के लिए। ये नहीं मैं बोल रही कि हाँ बहुत बहुत देर लोग खड़े रहे, वो भी चीज गलत है, बट अगर कोई इतनी दूर से आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है, वो दर्शन करने के लिए तो आ रहा है, तो उसको एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन मन में होना चाहिए कि हाँ मेरे दर्शन हो गए, तसल्ली होनी चाहिए। बट मैं ये बोल रही हूँ एटलीस्ट 30 सेकंड तो बंदे को मिल ही सकते हैं कि हाँ हम ऐसे 30 सेकंड ऐसे खड़े होके अच्छे से दर्शन कर ले। वहाँ पे पता है ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी। हाँ मैं समझती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रूड तरीका था कि जिस तरीके से वो लोग करते हैं, मतलब वो बहुत अजीब वे से बोलते हैं, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। बहुत सारी होप्स लेकर आते हैं ना कि यहाँ दर्शन करेंगे, जैसे मैं गई थी कि हाँ मेरे को आप लोग को पता है कि मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं खाटू श्याम जी जाऊँ खाटू श्याम जी जाऊँ, और हमारा जाना हुआ, मैं सोच रही थी कि यार अच्छे से दर्शन होंगे, सच्ची बोलूँ दर्शन हुए मेरे, बट एक होता है झलक, बस इतनी सी झलक आई मेरे को, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि यार बस थोड़ी अगर मैं 10 सेकंड और खड़े रहती ना तो मेरे को तसल्ली हो जाती, और तसल्ली हो जाती कि हाँ मेरा मन शांत हो जाता। तो फिर मैं वही चीज़ सोच रही थी कि शायद मेरे जो झलक मेरे को देखने मिली वो अगर और जो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं अगर उनको वो भी ना देखने मिले, तो या फिर बंदे को फील होता है ना कि हम इतनी दूर से आए हमारे तो दर्शन हुए ही नहीं, तो वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो लोग कर रहे हैं ना तो 30 सेकंड एटलीस्ट बस 30 सेकंड रह के दर्शन अच्छे से कर सके। बाकी तो गाइस वहाँ पे बहुत ही अलग रौनक है, मतलब मेरे को बहुत बहुत मतलब जितना मैं बोलूँ उतना कम है, मुझे वहाँ पे बहुत जाके अच्छा लगा, और मेरा दिल जो है ना एकदम ऐसे शांत हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने दिन से बोल रही थी ना कि मेरे को खाटू श्याम जी जाना है खाटू श्याम जी जाना है, और गाइस आप लोग मानोगे नहीं, मुझे ना इतने दिन से नींद नहीं आ रही थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि मैं सोऊँ अच्छे से, बट मुझे नींद ही नहीं आती, मैं फ़ोन भी नहीं चला रही थी, फ़ोन भी रख दे रही थी ना तो भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, लेकिन जब से मैं खाटू श्याम जी से आई हूँ ना मैं प्रॉपर अच्छे से सो रही हूँ और मुझे नींद आ रही है, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन थोड़े दिन पहले से तो मुझे ऐसा हो रहा था, शायद एक्साइटमेंट थी या जो भी था, बहुत ज़्यादा खुश हो। और गाइज वहाँ की वाइब बहुत अलग है, मतलब मेरा मन वहाँ पर जाके इतना खुश हुआ ना, इतना ज़्यादा खुश हुआ, मतलब एक अलग ही वो वाइब एक्सप्लेन नहीं हो सकती, वहाँ की बहुत ज़्यादा ऐसे अलग वाइब थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली वहाँ जाके, और मैं मम्मी को बोल रही थी कि हम आती जाती रहा करूँगी। फिर गाइज वहाँ से हम लोग वाटर पार्क गए थे, इस वाटर में हुआ ये कि साक्षी को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही हाथ में चोट लग गई, वो राइड ले रही थी और वो राइड छोटी थी और उसको ना डर बहुत ज़्यादा लगता है राइड वगैरह पे, तो वो राइड से जैसे ही उसने राइड ली तो वो ना अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, राइड के बीच में वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने ना साइड से राइड को ऐसे पकड़ लिया तो ना उसका हाथ ना अड़ता हुआ चला गया। सो गाइस इसको ये चोट लग गई थी, अब तो ये टेक मैं इतने दिन बाद ले रही हूँ तो ये थोड़ी सी ठीक भी हो गई है,
बाकी ये इसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी, आपने मेरे शॉर्ट्स में वैसे देख ली होगी क्योंकि ये व्लॉग तो लेट आएगा, ये बहुत ज़्यादा इधर इस साइड से भी भरा हुआ था और इस साइड से भी भरा हुआ था, बट अब ये ठीक होता आ रहा है बिकॉज कल एक हफ्ता हो जाएगा तो थोड़ा तो इसको आराम आ गया, नहीं तो इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना इसको बहुत ही ज़्यादा। और तब से ये एक हाथ से क्या बोलते हैं वो रखी है कुछ तो और ये कुछ काम नहीं कर रही है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कर रही है एक हाथ से, वो तो शुक्र है इसके सीधे हाथ में नहीं लगी, उल्टे हाथ में लगी है, तो ये थोड़ा बहुत काम कर ले रही है। और अभी इसकी ना अक्कल दाढ़ भी आ रही है, विस्टम टूथ, तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देख सकते हो इसका गाल कैसे सूज रखा है, सारी बीमारी एक साथ हो गई, इसका कहने का मतलब ये है, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। बट टेक रेस्ट, और इसको ना राइड लेनी भी थी और इसे लेनी भी नहीं थी, ये राइड के बीच में फंस गई और बीच में फंस के ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज स्लाइड हो रही थी तो ये रुक नहीं पाई, और इसने ना जो झूला है ना उसको साइड से पकड़ लिया था तो इसको इतनी ज़्यादा लग गई, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी वो नहीं मान रही थी, फिर भी वो पानी में गई थोड़ी देर बाद, मतलब वो चोट लगने के बाद भी वो बहुत देर तक पानी में रही तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा बढ़ गई, बाकी अभी तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। बाकी गाइज इतने दिन दिन बाद व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोग बोल तो मुझे कमेंट्स में डेली रहे हो कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो, अब व्लॉग डाल रही तो आप लोग देख नहीं रहे हो, मतलब ऐसे तरीके से व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ देखो भी अगर मैं व्लॉग डालूँ। बाकी जैसे इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, एंड होप करती वीडियो में आपको मज़ा आएगा, अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बताना वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी बहुत जल्द मिलती है नए व्लॉग के साथ, चल दिन बाय बाय, ठीक है, प्लीज़।